नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार। से दीवार में मनीष जायसवाल इस वक्त मौजूद हूँ बड़े डोंगर में, और यहाँ पर माँ दंतेश्वरी का मंदिर है। और इत्तफाक से हमारे कमाए हुए दो शिक्षक मिल गए हैं। ये आम सहायक शिक्षक हैं, यहाँ मंदिर दर्शन के लिए आए थे। हमारे चैनल के सब्सक्राइबर भी हैं और हमारी खबरों को पढ़ते भी हैं। अमूमन इन्होंने पहचान लिया और ये सहायक शिक्षक हैं, अंचलों में सेवा देते हैं। इनके भी बहुत सारे मुद्दे हैं, इनकी बहुत सारी समस्याएं हैं जो संघ संगठनों के माध्यम से यदा कदा ही आ पाती हैं। स्थानीय भाषा में ज्यादातर पढ़ाते हैं, इनसे चर्चा करते हैं। सर, आपका नाम बताइए और कहाँ से आए आप? सर, मेरा नाम अनिल कुमार ध्रुव। हम लोग ध्रुवों को नर्सा ध्रुवों को नांके जी में जी। सर, जैसा कि मालूम है कि अपन छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो जो आप रूरल क्षेत्र से आते हैं वहाँ छत्तीसगढ़ी जानते हैं कि आप लोग स्थानीय भाषा पढ़ाते हैं? हाँ, स्थानीय भाषा पढ़ाते। क्या पढ़ाते हैं सर वहाँ पे स्थानीय भाषा? बोली जी, मतलब कई जगह हल्बी और कई जगह गोड़ी चल रही है जी। आप लोग पढ़ाते हैं उनको? हाँ जी, पढ़ाते गोड़ी में। लेकिन मेरे को गोड़ी उतना नहीं आता था, लेकिन बाकी टीचरों को आता है। हिंदी छत्तीसगढ़ी मिक्स करके पढ़ाते हैं। सर, आप आम सहायक शिक्षक हैं जी, आपको क्या लगता है भूपेश सर तो भरोसा है? हाँ जी है, आप आश्वासन तो दिए थे जी, लगता है कहीं ना कहीं हो जाएगा जी। जी हो जाएगा। और स्थानीय समस्याएं क्या आती है सर, आप आम जैसे शिक्षक हैं? हाँ, स्थानीय तो है सर, जिस एरिया में हम लोग काम करते हैं उधर रोड की समस्या है, पुल पुलिया नहीं है और सबसे समस्या है अंदर एरिया में। मतलब लगता है बस्तर बहुत सुंदर है, प्रकृति ने सब कुछ दिया, लेकिन यहाँ जीवन थोड़ा कठिन है। हाँ जी जी जी, वो तो है सर। नौकरी भी कठिन है बिल्कुल एकदम। हाँ सर, कहाँ से आते हैं, क्या नाम है आपका? सी जी वाल को मैं मेरे तरफ से नमस्कार सर जी। और जी, ये मैं बस्तर संभाग का जो कांकेर जिला है वहाँ से जी, मैं विकास खंड ध्रुव कुंदर, मेरा गांव है एक छोटा सा गांव है सर, दिया गांव करके, ध्रुव कुंदन से पूर्व दिशा की ओर 3 किलोमीटर है। और वहां से मैं जो है ना अपना मूलतः शिक्षकी कार्य के लिए ध्रुव कुंदन विकास खंड से पखांजूर रोड में 15 किलोमीटर है वहां में गुमरीडीह करके है, उस गांव में जाता हूं। बहुत कम पैसे से सर नौकरी शुरू की है? जी 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 जी। ये सर जी, मुझे ना टोटल 2009 में 5400 सैलरी डलता था, अपने खाते में आता था, वहाँ से चालू था। तो आना जाना खाना पीना कैसे करते होंगे उस दौर में? बहुत कम सर, बस से आना जाना होता था, पर बसता नहीं था। आज भी वही चीज़ स्थिति है सर जी, हर चीज़ का रेट बढ़ गया है जी, तो नहीं हो पा रहा है। आज हम लोगों का ना वर्ग 2 और वर्ग 3 का अगर देखा जाए बीच का, तो 10 से 12 हज़ार का अंतर पाया जाता है। जैसा कि वर्ग 2 शिक्षक और व्याख्याता जो LB हैं उनके बीच में ज़्यादा अंतर नहीं है, समतुल्य है, वैसा हमारे 2 और 3 जी, जैसे शिक्षक LB और सहायक शिक्षक LB का जो बीच का अंतर है वो 10 से 12 हज़ार का है, वो मिलना चाहिए। मतलब आपको लगता है आप लोग की वेतन विसंगति है? दूर होना चाहिए सर, होगा ऐसा उम्मीद करता हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मनीष मिश्रा जी हैं, तो नेतृत्व अच्छे ढंग से कर रहे हैं अभी भी, और हमारे फेडरेशन के बहुत सारे साथी हैं जो हमारे और भी कई प्रदेश स्तर के अध्यक्ष हैं, वे लगे हुए हैं। और सरकार भी आश्वासन तो दी है, भूपेश छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है, पता नहीं कब पूरा करेंगे। आचार संहिता लगने वाली जी, कई मनीष मिश्रा से मिले हो? मिला नहीं हूँ सर जी, देखा। फिर भी उम्मीद है आपको? जी जी, उम्मीद है सर, उम्मीद है और होगा, वो करवाएंगे ऐसा मैं सोचता हूँ, मेरा मन कहता है जी। रायपुर वगैरह गए हैं आप? जी गया हूँ सर, वहाँ मुलाकात नहीं हो पाई? नहीं, मैंने बातचीत नहीं हुई है। हाँ अच्छा। जी, लेकिन देखे भाई, देखे बूढ़ा तालाब में भी लगता था, तब भी गया हूँ 2-3 बार, और अभी तो ये अभी वाले में मैं गया नहीं हूँ, तूता मैदान में। अच्छा। जी, उसके काम में लगा हूँ, चुनाव जी। हम लोग सर, मैं अभी हूँ और सर BLO का कार्य देख रहे हैं जी, अपने यहाँ अपने स्कूल में मतदान केंद्र भी लगता है। स्थानीय भाषा सर, जैसे अभी देख रहे थे शिक्षक गाना भी सुना रहे थे जी जी, कितना प्रभावित करती है पढ़ाई को यहाँ की? बहुत है सर, जैसे बच्चे नहीं जानते सर, मातृभाषा यानी घर का
प्रचलन है, कोई गोंडी कभी कोई जानता है ना घर में, जैसे चर्चा में आ जाता। एक स्कूल में सर ऐसा भी गोंडी भी बोलते हैं, हल्बी भी बोलते हैं जी। हम यहाँ बोली नहीं बोलते, लेकिन हमारे अंचल में कुछ कुछ गांव में चलता है, जैसे इधर है विकासखंड में 2-3 गांव हैं जहाँ हल्बी भी चलता है। और हमारे यहाँ जैसे गोंडी है सर प्रचलन में, जैसे मैं जहाँ जा रहा हूँ स्कूल में, वहाँ कुछ बच्चे गोंडी भी बोल रहे हैं। तो गोंडी वाले बच्चे को समझ विकसित करने के लिए, अवधारणा स्पष्ट कराने के लिए, जो है अपन जो हिंदी नहीं समझ पाते तो उसको ना उसी की भाषा में, उनकी मातृभाषा है उसी में अपन जो है बता देते हैं, तो बच्चा जल्दी से उसको कैच कर लेता है। प्राथमिक स्कूल सर मतलब आप मानते हैं कि बहुत कठिन है बच्चों को पढ़ाना? जी 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 जी, वो मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल में इधर जो कक्षा का स्तर बड़ा हो जाता है उधर उतना मेहनत करना नहीं पड़ता है जितना कि वो तो न्यू है सर। जितना अच्छा से मजबूत होगा उतना ही बिल्डिंग बनेगा, ये है। और वो काम हम लोग कर रहे हैं, पर सरकार कोस रही है हमारे लिए, और सरकार को न्यू मजबूत चाहिए, बिल्डिंग तगड़ा बनवाना है, तब हमें भी देखते जैसा हम कर रहे हैं। अभी भी कोई कमी नहीं करते, प्रयास हम लोग 100% दे रहे हैं, कर रहे हैं, सिर्फ मांग है हम लोगों का भी थोड़ा सा। कोई अनुभव बताइए सर आपका, अभी का कोई ऐसा अनुभव रहा हो बच्चों को पढ़ाने के दौरान का, ये भी अन्य चीज़ों का, हम लोगों के दिलों में छाप लेते हैं जे बच्चे लोगों को जैसे हम लोग पढ़ाते हैं सर जी, तो क्या है उनकी भाषा हम लोग बोलते हैं ना, बच्चे जा करके अपने अभिभावक को बताते हैं कि फलाने सर ने ऐसा गोंडी में आज हम लोगों को कुछ पढ़ाया तो ज़्यादा समझ आया करके, तो वो पालक भी खुश हो जाते हैं कि हमारे बच्चे को ना फलाने सर ने गोंडी में समझाया पढ़ाया, हमारे बच्चे समझे ऐसा है। कोई तो होंगे जो हमारी मातृभाषा में बात कर रहा है, ऐसा उनको लगता है और बोलते हैं सर। धन्यवाद सर। ये सहायक शिक्षक हैं, इस क्षेत्र से आते हैं, पूरा क्षेत्र से आते हैं, और इन्होंने बहुत बड़ी बात भी कही, और कहीं ना कहीं विचार में निकलता है कि जिन स्कूलों में के आसपास अगर स्थानीय भाषा बोलने वाले गोंडी या हल्बी बोलने वाले शिक्षक हैं, वहाँ एकाद अतिथि शिक्षक होना चाहिए ताकि वो बच्चों को और भी आसानी से सरल शब्दों में समझा सकें। नया विचार फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। सिजीवाल से मनीष जसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद।